अभी हमने चिंतामन गणेश के दर्शन किए, अब हम यहाँ से चल पड़े हैं आगे की ओर, मंगलनाथ, भैरवनाथ, भर्तरी गुफा, हरसिद्धि, ये कुछ ऐसे स्थान हैं यहाँ जहाँ आज हमें जाना है। अब इनमें से कहाँ कहाँ हम जा पाते हैं ये देखने वाली बात है, क्योंकि अभी 4 बज चुके हैं और हमारे पास 2-3 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं है। जय हो छिप्रा मैया। आइए अब हम चलते हैं काल भैरव मंदिर। गुरुद्वारा काल भैरव का मंदिर महाकालेश्वर मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर छिप्रा नदी के किनारे भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थित है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यहाँ भगवान काल भैरव की प्रतिमा को शराब का भोग लगाया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि देखते ही देखते वह पात्र जिसमें शराब का भोग लगाया जाता है खाली हो जाता है। यह शराब कहाँ जाती है यह रहस्य आज भी बना हुआ है। यहाँ रोज हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, चमत्कार को अपनी आँखों से देखती है। देश विदेश से लोगों ने आकर पता लगाना चाहा कि आखिर ये मदिरा जाति कहाँ है, किंतु आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। काल भैरव का मंदिर एक ऊंचे टीले पर बना हुआ है, जिसके चारों ओर एक परकोटा, एक दीवार बनी हुई है कि मंदिर की इमारत का जीर्णोद्धार करीब 1000 साल पहले परमारकालीन राजाओं ने करवाया था। जब हम काल भैरव मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर घुसते हैं तो कुछ दूर चलकर बाईं ओर पाताल भैरवी का स्थान भी है। काल भैरव मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है विक्रांत भैरव का मंदिर। यह मंदिर तांत्रिकों के लिए विशेष महत्व रखता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार उज्जैन के राजा महाकाल ने काल भैरव को इस स्थान पर उज्जैन शहर की रक्षा के लिए नियुक्त किया है, इसलिए काल भैरव को शहर का कोतवाल भी कहा जाता है। हमने चिंतामन गणेश के दर्शन किए और अब हम आ पहुँचे हैं काल भैरव मंदिर। यहाँ बहुत भीड़ है और बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, तो हम काल भैरव मंदिर में अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत समय लगने वाला। ये देखिए कितनी लंबी लाइन है, ये लाइन लगी हुई है, बहुत दूर तक लगी हुई है। तो यहीं से हम काल भैरव को प्रणाम करके हमारी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। जय हो काल भैरव की। दोस्तों, काल भैरव के बारे में मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अब तक ना किया हो तो बेल आइकॉन प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।